हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द थर्ड लेसन ऑफ द थर्ड क्लास नेम्ड जर्नी बाय ट्रेन, मीन्स ट्रेन के द्वारा यात्रा। हैव यू एवर बीन ऑन अ ट्रेन? क्या आप कभी ट्रेन में चढ़े हैं? सर्कल द थिंग्स यू हैव सीन फ्रॉम अ ट्रेन विंडो। उन चीज़ों को सर्कल करें जो आपने ट्रेन की विंडो से बाहर देखी हैं। अभय इज़ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अभय पहली बार ट्रेन की यात्रा कर रहा है। लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट सरप्राइजेस हिम द मोस्ट। जानने के लिए पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने अभय को हैरान किया। अभय वॉज स्कीपिंग विद एक्साइटमेंट बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट जर्नी बाय ट्रेन। अभय खुशी से उछल कूद कर रहा था, मतलब जंप कर रहा था, क्योंकि यह उसकी पहली यात्रा थी ट्रेन में। द ट्रेन वॉज रोलिंग इन टू द स्टेशन। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही थी। ग्रैंडमा लेट अस बोर्ड द ट्रेन। दादी माँ चलो ट्रेन में चढ़ते हैं। अभय वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेन टू स्टॉप फर्स्ट। अभय हमें पहले ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करना होगा। अभय कुड बियरली सिट स्टिल। अभय अकेला बैठ सकता था। ही रेन अप एंड डाउन द कोच। वो दौड़ के कोच में चढ़ गया। लुकिंग एट द पीपल इन द कंपार्टमेंट। और ट्रेन में जो बाकी सारे लोग थे वो उनकी तरफ देख रहा था, जो कंपार्टमेंट में लोग बैठे थे उनकी तरफ देख रहा था। द स्टेशन मास्टर वेव्ड द ग्रीन फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। जो स्टेशन मास्टर है उसने ग्रीन फ्लैग लहराया, वेव्ड मीन्स लहराना, एंड ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है। द वर्ल्ड आउटसाइड हाउसेस फील्ड पीपल एंड स्टेशंस रश्ड पास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ट्रेन के बाहर की दुनिया थी, जैसे घर, खेत, लोग और स्टेशन, वो सभी उल्ट दिशा में चल रहे थे। अभय वॉज बबलिंग विद क्वेश्चन। अभय के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे और वो बड़बड़ा रहा था। बबलिंग मीन्स बड़बड़ाना। बबलिंग मीन्स जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। Grandmother had worked with the railways for many years and she knew all the answer. Grandma railway station में काफ़ी सालों से काम कर चुकी थी और उसे सभी आंसर पता थे। Now Grandma and अभय के बीच में conversation start होती है। What makes train move? ट्रेन कैसे चलती है? It depends on the kind of train You are sitting in। जिस ट्रेन में तुम बैठे हो ये उस ट्रेन के टाइप पे डिपेंड करती है कि वो ट्रेन किस तरह की है, तभी हम बता सकते हैं कि ट्रेन कैसे चलती है। Before trains, people traveled on horse or by stage coaches which were pulled by horse। ट्रेन के आने से पहले, ट्रेन के इन्वेंट होने से पहले people हॉर्सेस के द्वारा यात्रा करते थे, मतलब हॉर्स पे बैठ के फिर यात्रा करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर स्टेज कोचेस के द्वारा वो जाते थे। कोचेस मीन्स होता है गाड़ी, है ना। स्टेज कोचेस के द्वारा वो यात्रा करते थे जो कि हॉर्सेस के द्वारा पुल्ड की जाती थी, हॉर्स के द्वारा चलाई जाती थी, चलती थी वो। द फर्स्ट ट्रेन वर मेड ऑफ वुड। जो पहली ट्रेन बनी थी वो लकड़ी की बनी थी। Both the coaches and the train line, गाड़ी भी लकड़ी की होती थी और जो ट्रेन लाइन होती थी वो भी लकड़ी की होती थी। These were also pulled by horse, ये भी हॉर्स के द्वारा ही खींची जाती थी, मतलब हॉर्स के द्वारा चलाई जाती थी। Then came steam engines, फिर भाप के इंजन शुरू हुए, भाप के इंजन आए। Coal is burnt in these engines, इन इंजन्स में कोला जलता था, उसकी हेल्प से चलती थी। दिस टर्न अ बॉयलर फुल ऑफ वाटर इनटू स्टीम।
दिस टर्न्स अ बॉयलर फुल ऑफ वाटर इंटू स्टीम। ये पानी से भरे हुए बॉयलर को, बॉयल होता है उबालना ना, जिसमें हम उबालते हैं उसको बॉयलर बोलते हैं। ये पानी से भरे हुए बॉयलर को स्टीम में चेंज कर देती थी, मतलब भाप में चेंज कर देती थी। दिस स्टीम पुश्ड द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फॉरवर्ड। ये जो स्टीम होती थी ये ट्रेन के पहियों को पुश करती थी, आगे पुश करती थी, मतलब ये ट्रेन को चलाती थी। आफ्टर दिस केम डीजल लोकोमोटिव। हियर लोकोमोटिव मीन्स ट्रेन इंजन, जो ट्रेन के इंजन होते हैं जो डीजल से चलते हैं। इन दिस द पावर कम्स फ्रॉम एन इंजन दैट बर्न्स डीजल ऑयल। इसमें बिजली ऐसे इंजन से आती है जो डीजल तेल को जलाती है। दिस पावर अ जनरेटर, ये जनरेटर को बिजली देती है। जनरेटर यहाँ पे एक मशीन होती है जो बिजली पैदा करती है। दैट सेंड्स इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिक मोटर, ये बिजली वाली मोटर को बिजली सेंड करती है। विच टर्न्स द व्हील, जिससे क्या चलते हैं, पहिए पहिए चलते हैं। दे वर फास्टर एंड लेस पोल्यूटिंग देन स्टीम इंजन्स। ये जो डीजल से चलने वाली ट्रेन थी ये स्टीम इंजन से भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं, और लेस पोल्यूटिंग, और पोल्यूशन भी इतना नहीं पैदा करती हैं ये। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरहेड वायर्स और अ रेल लाइन। जो ये बिजली की ट्रेन्स होती हैं ये बिजली यूज़ करती हैं, जो ट्रेन के ऊपर जो वायर लगी होती हैं उनसे बिजली लेती हैं, या फिर ट्रेन लाइन जो रेल लाइन होती है उससे बिजली लेती हैं। दिस कॉजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन देन अदर टाइप ऑफ ट्रेन। ये जो बिजली वाली ट्रेन होती है बहुत कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, बहुत ही कम प्रदूषण होता है इससे। बाकी सारी जो अदर ट्रेन हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो बिजली वाली ट्रेन है इससे बहुत कम प्रदूषण होता है। आई थिंक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर द बेस्ट वे टू ट्रेवल। मुझे लगता है कि जो ये बिजली की ट्रेन होती हैं ये सबसे अच्छा तरीका है यात्रा करने का। आई थिंक दे डोंट कॉज एज मच पोल्यूशन एज बर्निंग कोल एंड डीजल। मुझे लगता है कि ये कोयले के जलने से और डीजल के जलने से जो प्रदूषण पैदा से होता है उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम पोल्यूशन पैदा करती है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, ये इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। अब है बिल्डिंग एंड रनिंग। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन्स कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। जो ये बिजली की ट्रेन होती है इन्हें बनाना और उन्हें चलाना बहुत ही मुश्किल का काम है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं। एट द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के अंत में, अभय वॉज इम्प्रेस्ड बाई ट्रेन। अभय बहुत ही प्रभावित हुआ ट्रेन से। ही डिसाइडेड टू रीड मोर अबाउट ट्रेन्स व्हेन ही रीच्ड होम। उसने फैसला किया कि वो घर पहुंच के ट्रेन्स के बारे में और पढ़ेगा। ही स्पेशली वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट बुलेट ट्रेन्स विच हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम वर द फास्ट। वो स्पेशली बुलेट ट्रेन के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसने उसको बहुत ही जल्दी जल्दी बताया, फास्टेस्ट बताया, मतलब बहुत ही जल्दी बताया उसको, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए वो बुलेट ट्रेन के बारे में डिटेल में जानना चाहता है।